दोस्तों आज मैं आपको SSD वर्सेस हार्ड डिस्क के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। दोस्तों ये WD कंपनी की 120 GB की SSD है और ये दोस्तों WD कंपनी की 500 GB की लैपटॉप की मैकेनिकल हार्ड डिस्क है। इस दोनों के बारे में दोस्तों कंपैरिजन करके आज दोस्तों मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। अब दोस्तों हम ये जो WD कंपनी की SSD है बॉक्स पैकिंग है, इसे अब हम ओपन करते हैं और देखते हैं अंदर क्या है। ये देखो दोस्तों ये SSD है। ये देखो दोस्तों WD कंपनी की 120 GB की SSD है। ये देखो लिखा हुआ है साटा SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, पूरा नाम लिखा हुआ है फुल फॉर्म में। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ ये जो SSD है और ये जो हार्ड डिस्क से दोनों की फुल कंपैरिजन करके बताने वाला हूँ हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप के लिए कौन सी हमारे लिए बेहतरीन है, उसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। इसके दोस्तों कंपैरिजन करने के लिए दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे कंप्यूटर पे। अब दोस्तों हम आ गए हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर पे और ये दोस्तों WD कंपनी की 120 GB की SSD है और ये दोस्तों WD कंपनी की 500 GB की हार्ड डिस्क है। दोनों ही दोस्तों हमने पहले वीडियो में बताई थी उसकी इमेज है। अब दोस्तों मैं SSD और हार्ड डिस्क दोनों की कंपैरिजन करके बताने वाला हूँ इन दोनों में से बेहतरीन कौन है। SSD की रीड राइट स्पीड करीब 500 से 600 MBPS के आसपास होती है दोस्तों, और इसकी कंपैरिजन में हमारी जो नॉर्मल हार्ड डिस्क आती है उसकी रीड राइट स्पीड 80 MBPS के आसपास होती है। इसके कारण दोस्तों SSD के बुक टाइम बहुत फास्ट होता है और इसमें जो सॉफ्टवेयर रहते हैं वो भी फास्ट लोड हो जाते हैं। इसकी कंपैरिजन में हार्ड डिस्क की रीड राइट स्पीड नॉर्मल होने के कारण इसकी हार्ड डिस्क का बूटिंग टाइम भी नॉर्मल है दोस्तों, और इसमें जो सॉफ्टवेयर आते हैं वो भी नॉर्मली लोड होते हैं। SSD में दोस्तों कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, इसलिए दोस्तों SSD में से कोई नॉइज नहीं निकलता। SSD में दोस्तों ओनली एक लॉजिक बोर्ड होता है, इसके अलावा कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, इसलिए SSD में से दोस्तों कोई नॉइज नहीं निकलता। इसके कंपैरिजन में हार्ड डिस्क में दोस्तों मूविंग पार्ट होते हैं, जैसे कि मोटर, प्लेटर, हेड, ये सब हार्ड डिस्क के मूविंग पार्ट है। ये सब मूविंग पार्ट्स के कारण हार्ड डिस्क में से दोस्तों थोड़ा सा नॉइज निकलता रहता है। SSD दोस्तों आप कोई भी कंपनी की खरीदो वो नॉइज लेस ही आएगी, इसमें से दोस्तों कोई नॉइज नहीं निकलेगा। तो दोस्तों SSD में कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होता, इसके कारण SSD बहुत लेस, बहुत कम हीट प्रोड्यूस करती है। इसकी कंपैरिजन में हार्ड डिस्क में दोस्तों मूविंग पार्ट्स होने के कारण थोड़ी ज़्यादा हीट जनरेट होती है। SSD की दोस्तों ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज 0 डिग्री टू 70 डिग्री के बीच में है। इसकी कंपैरिजन में हार्ड डिस्क की ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज 5 डिग्री टू 55 डिग्री के बीच में है। तो दोस्तों टेम्परेचर रेंज SSD की थोड़ी नॉर्मल हार्ड डिस्क के मुकाबले ज़्यादा है। और दोस्तों SSD में कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होने के कारण ये हार्ड डिस्क के मुकाबले कम हीट जनरेट करती है। SSD का पावर कंजप्शन करीब 1 वॉट होता है दोस्तों। इसके कंपैरिजन में हमारी जो नॉर्मल हार्ड डिस्क आती है उसका पावर कंजप्शन 5 वॉट के आसपास होता है। SSD का पावर कंजप्शन कम होने के कारण दोस्तों जब हम SSD को लैपटॉप में यूज करते हैं तो हमारा बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा मिलता है, मीन्स के बैटरी बैकअप हमें अच्छा मिलता है। SSD दोस्तों मार्केट में 120 GB से 2 TB के बीच में मिलती है दोस्तों। इसकी कंपैरिजन में हमारी जो नॉर्मल हार्ड डिस्क आती है वो करीब 80 GB से 16 TB के बीच में हमें मिल जाती है। SSD दोस्तों 120 GB की, 240 GB की और 512 GB की, ये 3 टाइप की SSD है, वो बहुत बहुत ज़्यादा मार्केट में बिकती है दोस्तों। SSD के दोस्तों ये बेनिफिट होने के कारण हम जब हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में SSD का यूज करते हैं तो हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और लैपटॉप का बैटरी बैकअप भी बढ़ जाता है। ये सब बहुत अच्छे बेनिफिट होने के कारण SSD को बाय करने की लिंक दोस्तों मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में रखी हुई है, वहाँ पर जाके आप लोवेस्ट प्राइस में SSD को बाय कर सकते हो। तो बस दोस्तों मेरे आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों आपको
हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपका 100% सही आंसर दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो दोस्तों मेरे ये वीडियो को आप लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और मेरी ये चैनल कृणाल कंप्यूटर को आप सब्सक्राइब करो।